दोस्तों आर्टिकल 370 हटाने के बाद बौखलाहट के शिकार पाकिस्तान की तरफ से आए दिन बौखलाहट में कई सारा हथकंडे अपनाया जा रहा है। पाकिस्तान जहां पे बहुत सारे कंट्रियों के पास रिक्वेस्ट भेज रहा है, वहीं पे यूनाइटेड नेशन में भी इस बात को उठाने का कोशिश कर रहा है, पर पाकिस्तान की तरफ से हर एक कोशिश में अब तक पाकिस्तान को नाकामयाबी का शिकार होना पड़ा। पर दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान द्वारा कुछ ऐसा हरकतें किया गया है जो भारत के लिए सोचने लायक है। पाकिस्तान भारत से लगा हुआ एरिया में अपना आर्मी को डिप्लॉय कर रहा है, साथ साथ सुनने को आ रहा है कि पाकिस्तान फॉरवर्ड बेसेस में अपना एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने के लिए जो इक्विपमेंट का जरूरत पड़ता है उसको भी ला रहा है। तो दोस्तों मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानने का कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से फॉरवर्ड बेसेस में क्या क्या हरकतें किया जा रहा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो टेंशन है उसके बीच में ही पाकिस्तान द्वारा एयरफोर्स के इक्विपमेंट को फॉरवर्ड बेसेस में भेजा जा रहा है। गवर्नमेंट सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स का C-130 एयरक्राफ्ट द्वारा एयरफोर्स के इक्विपमेंट को यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंतर्गत आने वाला पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का स्कर्दू एयरबेस में भेजा गया और गवर्नमेंट के मुताबिक ये सब हरकतों के ऊपर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का कड़ी नजर है और आशंका लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान के तरफ से संभावित JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट को स्कर्दू बेस में लाया जा रहा है। इंटेलिजेंस सोर्स के मुताबिक जो इक्विपमेंट फॉरवर्ड बेसेस में लाया गया है संभावित वही इक्विपमेंट फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेशन के लिए सपोर्ट के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता हो। इंडियन आर्मी एयरफोर्स और इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा पाकिस्तानी एयरफोर्स के हर एक हरकतों के ऊपर नजर रखा हुआ है और दोस्तों खाली हरकतों के ऊपर नहीं बल्कि संभावित पाकिस्तान के ऊपर नॉर्थ से लेके साउथ ईस्ट से लेके वेस्ट पूरा एरिया के ऊपर नजर रखा हुआ है। पाकिस्तानी एयरफोर्स द्वारा जो C-130 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है वो अमेरिकन C-130 का ओल्डर वर्जन है। जो एयरक्राफ्ट दशकों पहले पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से दिया गया था। इंटेलिजेंस सोर्सेस को यह भी पता चल रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा स्कर्दू में एयरफोर्स का एक्सरसाइजेस किया जाएगा और स्कर्दू पाकिस्तान का एक फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस है जहां से LOC से लगा हुआ एरिया में आर्मी के ऑपरेशन को पाकिस्तानी एयरफोर्स द्वारा सपोर्ट किया जाता है। जबकि आशंका यह भी लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान बॉर्डर एरिया में ये डिप्लॉयमेंट संभावित इंडिया के ऊपर कुछ हरकत करने के लिए भी कर सकता है। जबकि इसके साथ साथ बहुत सारे पाकिस्तानी न्यूज रिपोर्टर के ट्वीट में ये भी पता चल रहा है कि पाकिस्तान अपने आर्मी को अफगानिस्तान बॉर्डर से हटा के मास मूवमेंट कर रहा है, वो भी इंडिया से लगा हुआ बॉर्डर में, खास करके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो दोस्तों माना ये जा रहा है कि पाकिस्तान द्वारा जो एयरफोर्स के इक्विपमेंट को मूव किया जा रहा है वो यही आर्मी के ऑपरेशन के लिए सपोर्ट के हिसाब से इस्तेमाल हो सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट के जरिए बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।